हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है सैटरडे। आप में से किसी ने बोला था कि डेट एंड वो बता दिया करो, डेट एंड डे बता दिया करो। तो मुझे डेट तो याद नहीं रहती है डियर, मतलब इतना याद नहीं रहता, तो इसी वजह से डे वगैरह याद रहा तो मैं बता दिया करूँगी। और अभी बज रहे हैं पौने 2, और अभी हम लोग निकले हैं इनके फ्रेंड के घर जाने के लिए। मतलब फ्रेंड के यहाँ पे मीन्स हम लोग गांव जाने के लिए निकले हैं। तो गांव जा रहे हैं, उधर से गांव के पास ही एक मंदिर है, तो वहाँ पर इनके फ्रेंड के यहाँ का भंडारा है, तो वहाँ पर बुलाया है इनके फ्रेंड ने हमें, तो इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो जल्दी से जाके आ जाएंगे क्योंकि मम्मी पापा पे आज आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शादी थी रिलेटिव के यहाँ पे, तो इसी वजह से मम्मी पापा आए हुए हैं, तो इसी वजह से वो घर पे आने वाला है मिलने के लिए। तो जल्दी से जाके आना भी है हमें, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा चलो जाते हैं और जल्दी से जाके आ जाते हैं। तो हमारा टाइम पे डिसाइड हुआ कि जाना है करके, तो इसलिए तैयार हो गए हैं। अभी श्रीकांत का ही वेट कर रहे हैं, श्रीकांत आ जाए तो हम लोग निकलेंगे। और वो भी आज, क्योंकि उसका हाफ डे रहता है, आज सैटरडे है, तो इसी वजह से वो 1 बजे उसका ऑफिस ख़त्म हो जाने के बाद आने वाला था, बट आज लेट हो गया वो, पता नहीं क्यों। तो इसी वजह से हम लोग उसका भी वेट कर रहे थे अब तक। तो रेडी तो हम लोग सब हो चुके हैं, इन्होंने गाड़ी भी निकाल ली है और उसी का वेट कर रहे हैं। अभी कॉल किया था तो बोल रहा था कि बस यहाँ पर पहुँच गया हूँ, तो चलिए फिर अभी मैं भी निकलती हूँ और मिलती हूँ वहाँ पर जाके आपसे। हो सांगितलं त्याला, कारण तो जुळ ते कसं वाट पाईप फुटला की तू जुळून झालं असं की मग येतो आमचं। हो हो आणि तो बिडीला आहे। ओके 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 हा 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 नाही 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 लवकर उधर से आओ। एरा बना मम्मा तो मैंने जैकेट अटका दिया। इसने क्या किया है? अभी क्या? उसके भी 30 लगती है। सीट को कवर कर दिया। सब मांग लो। गाइज़, यहाँ पर मम्मी पापा और छोटा भाई आ गया था। वो शादी में आए थे यहाँ पे मेरी सिटी में, तो इसी वजह से वो घर पे आ गए थे मिलने के लिए। और उनको ना ऑरेंज वगैरह भी देने थे बच्चों के लिए, लाए थे उन्होंने। तो पिछली बार हम लोग खेत में गए थे, आप लोगों को पता ही है, तो उस टाइम ना ऑरेंज मतलब किसी ने तोड़ के नहीं रखे थे, तो इसी वजह से हम नहीं ला पाए थे। तो पापा वगैरह तोड़ के लेके आए थे इस बार, तो वो लेके आए थे। और वहाँ पर माही को समझाना चल रहा है उसके मामा, और उसे मेरी मम्मी समझा रही है कि नहीं रुक सकते हम घर के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी रुकने के लिए, और वो उनको कुछ काम था इसी वजह से वो नहीं रुक पा रहे थे। माही आप भी जा रही हो? हाँ। मम्मी बाय करूँ दे। मामा बाय कर। हाय हाय नहीं बाय कर, बोलो बाय कर। हाँ डैडी बाय कर। गाइज, मम्मी पापा चले गए हैं और भाई भी चला गया, तो और ना उनके साथ अद्वी को और माही भी चले गए हैं मेरे मायके, क्योंकि माही थोड़ा सा जिद कर रही थी उसके मामा को रुकने के लिए, और मम्मी को भी मतलब रुक जाओ करके बोल रही थी। तो इसी वजह से मम्मी बोल रही थी उसे कि हम नहीं रुकते, आप ही चलो हमारे साथ, क्योंकि उनको कुछ काम था घर पे। और हमें ना कहीं यहाँ पर ही मतलब हमारे सिटी के पास 60-70 किलोमीटर एक वो गाँव है, बहरम बोलते हैं उसे, तो वहाँ पर ना मेला होता है, तो वहाँ पर दर्शन के लिए हम लोग हर साल जाते हैं। तो इसी महीने में मेला होता है वहाँ पे, तो हर साल हम लोग जाते हैं वहाँ पे। तो हम लोगों ने मम्मी पापा को बोला कि आप रुक जाओ, हम लोग यहाँ से ही फिर सब लोग साथ में जाएंगे, तो बोल रहे थे कि नहीं घर पे कुछ काम है करके, तो इसी वजह से वो नहीं रुके। फिर उन लोगों ने बोला कि माही को लेके जाते हैं, आप इधर से आओ और हम लोग उधर से आएंगे, तो मैंने माही को भेज दिया। फिर जाते टाइम ना इतना अद्विक रोने लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर अद्विक की जिद की वजह से उनको अद्विक को भी लेके जाना पड़ा,
और फिर अद्वी को भी लेके गया वो लोग। और अभी घली घर ना बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे रह रहे हैं बच्चों के बिना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी ना मुझे हल्दी कुमकुम के लिए जाना है, मतलब पड़ोस में ही कॉलोनी में, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ अभी मेरा फ्रेश होने का भी मन नहीं कर रहा है, फिर ऐसे ही जाती हूँ मैं। वहाँ से आने के बाद ना मैं थकावट बहुत लग रही है मुझे, वैसे भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना, ट्रैवलिंग के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो इसी वजह से मुझे ना बहुत ऐसा लग रहा है कि एकदम ऐसे सिर दर्द भी हो रहा है, लेकिन मैं जाके आ जाती हूँ वहाँ से। गाइस पहले मैं हल्दी कुमकुम के लिए गई, उधर से आने के बाद फिर हम लोग दोनों यहाँ पर आए थे। यहाँ पर मुझे चेयर लेनी थी अपने वीडियो के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे ये चेयर चाहिए थी। और फिर मैं ऐसे ही टाल रही थी कि कभी ले लेंगे कभी ले लेंगे करके, तो आज फाइनली ले ली चेयर। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे चेयर्स हैं, और इसमें से ही एक चेयर ली है, बट वो आपके लिए सरप्राइज़ है, तो वो आपको बाद में दिखाई देगी वीडियो में। तो वो कौन सी चेयर हमने ली है, क्योंकि वो चेयर हम लोग आज लेके नहीं आने वाले हैं, जब भी लेके आएंगे, मतलब आज से बिल किया है, और जब भी लेके आएंगे आपको पता चल ही जाएगा तब हम लोग लेके आएंगे। और यहाँ पर मुझे एक मंदिर पसंद आ गया, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देते हैं, बहुत सुंदर था, तो ये वाला मंदिर है वो। गाइज हम लोग गए थे बाहर, और जैसे कि आपने देखा कि हम लोगों ने क्या लिया है, तो हम लोगों ने लिए हैं एक चेयर, मतलब जो मुझे वीडियो के लिए चाहिए थी एक्चुअली। और वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मतलब सारी चीज़ें थी, बट मैं शूट ही नहीं कर पाई। और मैंने सोचा चलो जाने तो लेना नहीं है, तो फालतू में शूट करना किस लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे बेड वगैरह और कवर्ड वगैरह है ना, कवर्ड तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि ले लूँ अभी। तो सेट ना वहाँ पर मतलब डेढ़ कितना 1.5 लाख वगैरह तक हो जाते वो सेट, मतलब 1.5 लाख तक हो जाते, मतलब बेड, उसमें एक ड्रेसिंग, उसमें बेड के साइड टेबल और कबर्ड पूरा, मतलब जो वार्डरोब होता है पूरा। बट साइज़ का इशू आता, साइज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, लेकिन अच्छे थे, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के थे, तो हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और हम लोगों ने वो चेयर ली है, तो वो आज नहीं लाई है हम लोगों ने, हम लोग लाएंगे मंडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन जो है वो शॉप बंद रहती है, इसी वजह से आज लेके आते बट लेट हो गया था, तो इसी वजह से नहीं लाई, वहाँ पर ही बिल वगैरह करके रख दी है। और मंडे को ना हम लोग लेके आएंगे वो। और अभी मैं बनाने वाली हूँ चाउमीन, तो एक मिनट, श्रीकांत आ गया लगता है। ये ना तो मैं बनाने वाली हूँ आज चाउमीन, तो चलिए फिर पहले चाउमीन बनाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं है और ना भूख भी नहीं है, और वैसे पेट तो भरा भरा सा लग रहा है, बट कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए होगा, तो इस वजह से चाउमीन बनाती हूँ, लाइट लाइट खा लेंगे, तो उसके बाद फिर इतना खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, थक गया है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि सो जाऊँ, मन कर रहा है सोने का, बट फिर भी कुछ खाने के लिए तो बनाना पड़ेगा, तो इसी वजह से वाली वो चाउमीन जल्दी से बनाती हूँ। चलिए फिर रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहली स्टेप आपको करनी है कि एक पतीले में ना आपको पानी बॉईल करना है, और उसमें तेल ऐड करना है, काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में आपको तेल ऐड करना है, ताकि जब हम लोग वो नूडल्स डालेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं, तो इसी वजह से आपको तेल अच्छे से ऐड करना है उसमें। और उसके बाद जब पानी बॉईल हो जाए तो उसमें आपको इस तरह से नूडल्स आते हैं स्टिक्स, तो वो ऐड कर देने हैं, हर जगह मिल जाता है ये वाले नूडल्स, तो ये वाले नूडल्स हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। और ये ना ऑटोमेटिकली अभी ऐसे स्टिक्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा गल के अंदर चले जाएंगे, तो जैसे जैसे वो गल रहे हैं, मतलब जैसे जैसे उसमें पानी जा रहा है, तो वैसे वैसे वो अंदर चले जा रहे हैं, तो इस तरह से उसे ना तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से वो अंदर चले जाएंगे, जैसे जैसे वो ये होंगे, मतलब थोड़ा सा गल जाएंगे, वैसे वैसे वो अंदर चले जाएंगे, और तोड़ना बिल्कुल नहीं उसे, नहीं तो उसका मतलब वो दिखेंगे अच्छे नहीं। और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है आपको, मतलब थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए, और इस तरह से उसे अच्छे से चला लेना है, और ये थोड़ी देर में ही गल जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे गलने में।
और ना आपको इसे ज़्यादा देर नहीं होने देना है, मतलब ज़्यादा देर आप देख सकते हो जिस तरह से यहाँ पर दिख रहे हैं वैसे उस तरह से आपको होने देना है, ज़्यादा गल होने नहीं देना है आपको, नहीं तो ज़्यादा गल होने तो वो बहुत ज़्यादा स्टिकी स्टिकी बनेंगे, तो इस तरह से आपको बनाना है। और बस ये मेरा हो चुका है अभी, और इसे स्ट्रेनर में हम लोग स्ट्रेन कर लेंगे तो उसका जो पानी है वो पूरा निकल जाएगा, और उसका जो मतलब जो नूडल्स हैं आपके वो काफ़ी खिले खिले से ऊपर आएंगे। तो उसके बाद हम लोग एक कढ़ाई में तेल ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे प्याज, और प्याज को होने देंगे अच्छे से चला लेंगे, और उसके बाद उसमें शिमला मिर्च और पत्ता को भी लंबी लंबी काटी हुई ऐड करेंगे, और इसके लिए लंबी काटी हुई चीज़ें चाहिए तो पत्ता को भी और शिमला मिर्च हम लोग ऐड कर देंगे उसमें, और उसके बाद उसे भी अच्छे से चला लेंगे मतलब ताकि वो सॉफ़्ट हो जाए। तो जब ये सॉफ़्ट हो जाएगी उसके बाद हम लोग उसमें सोया सॉस, ग्रीन चिली एंड रेड चिली उसमें हम लोग ऐड करेंगे, और ये अभी सॉफ़्ट हो गया है आप देख सकते हो, तो हम लोग सारी चीज़ें उसमें ऐड कर देंगे, और बस फिर हमारा जो सॉस है इसका वो रेडी हो जाएगा आप देख सकते हो। आप चाहो तो मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको अगर ज़्यादा तीखा चाहिए हो तो, नहीं तो इसमें ही सफिशेंट है मतलब इसमें हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप थोड़ा सा मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने नूडल्स जो बना के रखे थे तो आप देख सकते हो कितने खिले 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 से बने हैं, अगर आप इस ट्रिक से करोगे तो बहुत ही ज़्यादा खिले खिले से बनेंगे, और ज़्यादा आपको सिर्फ गलने नहीं देना है उसे, ज़्यादा आपको पकाना नहीं है सिर्फ, बस आपको थोड़ा सा पकाना है, आप देख सकते मतलब आपको पता चली जाएगा कि ये हो चुके हैं करके। तो इस तरह से आपको इसमें ऐड कर देना है, थोड़ा सा नमक ऐड करना है और अच्छे से इसे चला लेना है। तो इसको ना 2 स्पून चाहिए होगी चलाने के लिए इस तरह से, ताकि उसमें जो सॉस है अपना वो अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पर हमारा जो नूडल्स है वो रेडी हो चुके हैं, और बस मैं सर्व कर लूँगी। ये वाली बोरी में लाए थे ऑरेंज, और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा ऑरेंज लेके आए हैं पापा, और ये ना घर की खेती के हैं, तो घर के खेत की आवाज तो अलग ही होती है, मतलब घर के खेत से कुछ भी चीज़ आती है तो आपको स्पेशल ही लगती है, तो इस वजह से मेरे लिए तो ये स्पेशल ही है। और ये ग्रीन दिख रहे हैं आपको, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब मीठे हैं अंदर से तो सिर्फ ऊपर से ही ग्रीन है, बट ये बाहर रखेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, इसको फ्रिज में नहीं रखना है सिर्फ। और यहाँ पर ये बड़ी लेके आई थी तिल की, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि सभी को अपने मम्मी के हाथों की चीज़ें पसंद आती ही है, क्योंकि हम लोग वो ही टेस्ट बचपन से खाते हुए आ रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा अलग टेस्ट होता है मम्मी के हाथों का, और कोई भी कुक मम्मी के हाथों की बराबरी नहीं कर सकता है, तो ये इसी वजह से मम्मी के हाथों से जो भी बना होता है वो हमें अच्छा ही लगता है। आप ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को भी मम्मी के हाथों का पसंद है या नहीं है बना हुआ। और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं, आप भी आ जाइए चाउमीन खाने, और आप भी इंजॉय करिए, और आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी बनी।
चाउमीन खाने के बाद सबको ज़रूरत थी चाय की, और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। हम लोग वहाँ पर जाने के बाद पता नहीं क्यों आज ऐसे थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसी वजह से हम लोगों को चाहिए थी चाय। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म अदरक की चाय, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस टाइम मतलब पीने का मज़ा ही कुछ और होता है, बहुत ही मज़ा आ जाता है, गर्मा गर्म चाय मिल जाती है तो। सोने वाले हैं और बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही है, बहुत ज़्यादा थका थका सा लग रहा है आज। और हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है घर पे ना, बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा है। अद्विक भी नहीं है, माही भी नहीं है, ऐसे कभी नहीं रहे हम लोग, पहले तो कभी नहीं रहे हम लोग ना, तो इसी वजह से अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल खाली खाली सा घर लग रहा है। मैं और ये अभी बात ही कर रहे थे कि रहते हैं बच्चे तो कितनी चहल पहल होती है, और अभी नहीं है घर में तो कितना अजीब सा लग रहा है, घर ऐसे खाने के लिए दौड़ रहा है। और हाँ, मैं अभी मार्केट गई थी ना, जैसे कि आपको दिखाया था, उस टाइम मैं वाइट लेगिन लेके आई हूँ, इसके यहाँ पर है। तो क्योंकि मुझे वाइट लेगिन चाहिए, तो जैसे कि मैंने उस दिन आपको दिखाया था वो वाली कुर्ती जो मैंने ऑनलाइन परचेस की है, तो उस पर मुझे वाइट लेगिन चाहिए था। जो मेरे पास वाइट लेगिन था वो एंकल लेंथ नहीं था, वो सिंपल वाला लेगिन था, तो इसी वजह से मैंने ये लायरा का लेगिन लाया है, वाइट लेगिन एंकल लेंथ। और लायरा के लेगिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है लायरा के लेगिंस की, तो इसी वजह से मैं ये वाले लेगिंस लेती हूँ, एंकल लेंथ है ये। ओह, आपको दिख नहीं रहा होगा इसकी वजह से, देखिए, तो ये वाला लेगिन लेके आई हूँ। जब भी पहनूंगी कुर्ती पहनने के लिए, मैं मतलब कब से पहनना चाहती थी, बट जो लेगिन था वो उस पर सूट नहीं कर रहा था, वो लेगिन तो चूड़ीदार था इसी वजह से, तो ये वाला लेगिन अभी सूट करेगा उस पर, क्योंकि एंकल लेंथ लेगिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसे वाली थोड़ी सी स्टाइलिश कुर्ती पर। तो जब भी पहनूंगी आप देख ही लोगे मुझे। और हाँ, चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, फेस वॉश कर लिया है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, फेस को थोड़ा सा ड्राई लग रही है स्किन, और चलिए सो जाती हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, वीडियो रिलेटेड टिप्स, वीडियो, ओह माय गॉड, आपसे बात भी नहीं कर पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, और हॉल वीडियोस वगैरह डालती रहती हूँ, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।